आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, PQRS एक वर्ग है, PR और SQ O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो कोण POQ का माप ज्ञात करें। तो हम यहाँ से एक वर्ग बना लेते हैं, ये हो गया हमारा वर्ग, ठीक है। इसके दो इसके इसका नाम क्या है, पी क्यू आर एस, ठीक है। और इसमें क्या बोला है कि पी आर अर्थात ये और एस क्यू अर्थात ये अर्थात इसके दोनों विकर्ण। तो पहला है एस क्यू और दूसरा है पी आर, ठीक है। तो हमें क्या पूछा हुआ है कि कोण पी ओ क्यू, यहाँ पे ये कहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, ओ पर, ठीक है। तो हमें इसके बीच का कोण, ये पी ओ क्यू ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इसकी जो भुजाएं हैं वो कितना है, एक्स है, ठीक है। तो इसकी सभी भुजाएं एक्स होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर x, ठीक है। तब यहाँ पर हमें पता है कि जो वर्ग होता है उसके जो कोण, भुजाओं के बीच के जो कोण होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, ये त्रिभुज पी एस आर, त्रिभुज पी एस आर में क्या हो जाएगा, ये जो पी आर है हम वो निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कर्ण की घात दो, पी आर कर्ण की तरह व्यवहार करेगा और ये एक आधार और ये लंब, तो क्या हो जाएगा, आधार की घात दो प्लस लंब की घात दो, ठीक है। आधार भी एक्स है और लंब भी क्या है, एक्स है। तो यहाँ से पी आर की घात दो बराबर क्या हो जाएगा, दो एक्स की घात दो, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल दो एक्स की घात दो। तो यहाँ से पी आर बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल दो गुने एक्स, ठीक है। तो ये हमारा पी आर आ गया। अब इसके जो विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं वर्ग के विकर्ण। और ये अगर ये पी आर इतना आया तो क्यू आर क्यू एस भी इतना ही आएगा, क्योंकि इसकी इसके भी आधार और ये क्या है, लंब समान है, एक्स और एक्स है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार क्यू एस या फिर एस क्यू बराबर भी क्या आ जाएगा, वर्गमूल दो गुने एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वर्ग के विकर्ण, कौन से विकर्ण है, यहाँ पर पी आर तथा एस क्यू समान होंगे तथा एक दूसरे को बिंदु ओ पर सम द्विभाजित करेंगे, ठीक है। सम द्विभाजित करेंगे अर्थात ये दोनों आपस में तो बराबर ही है, तो सम द्विभाजित करेंगे तो ये जितना होगा वही इतना, ये भी इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, ये जो है ओ पी और ओ आर है वो क्या हो जाएगा, पी आर का आधा हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो एस क्यू है, ये जो ओ एस है और ओ क्यू है वो क्या हो जाएगा, एस क्यू का आधा हो जाएगा, ठीक है। अभी क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो इनके जो सम द्विभाजक होने के बाद ये जो चार भुजाएं बन रही है वो भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसीलिए ओ पी बराबर ओ क्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ से ओ पी और ओ क्यू कितने आ जाएंगे, इसका ये जो विकर्ण है वो कितना आया था, वर्गमूल दो बटा एक्स, तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल दो गुने एक्स का आधा हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से ये इतना आ गया। अब हमें ये पता चल गया, ओपी और ओक्यू पता चल गया, ठीक है। तब हम देख लेते हैं इनका वर्ग करने पर ये क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं त्रिभुज, इसको नाम देते थे पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में
ओपी की घात 2 प्लस ओक्यू की घात 2 करके देख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल 2 एक्स बटे में 2 की घात 2 प्लस वर्गमूल 2 एक्स बटे में 2 की घात 2, ठीक है, दोनों समान थे तो यहां से ये क्या आ जाएगा, वर्गमूल 2 की घात 2 कितना हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा एक्स की घात 2 बटे में 2 की घात 2 कितना आ जाएगा 4 प्लस वर्गमूल 2 की घात 2 कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2 की घात 2 कितना आ जाएगा 2, और ये एक्स की घात 2 बटे में 2 की घात 2 4, दोनों का हर समान है तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 2 एक्स की घात 2 प्लस 2 एक्स की घात 2, ये कितना आ गया 4 एक्स की घात 2 बटे में 4, तो इस 4 से 4 कट गया, ये कितना आ गया एक्स की घात 2, और ये जो एक्स है वो क्या है, यहाँ पर पी क्यू है, पी क्यू का मान एक्स है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बराबर पी क्यू की घात 2, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया ओपी की घात 2 प्लस ओ क्यू की घात 2, चूंकि ओपी की घात 2 प्लस ओ क्यू की घात 2 बराबर पी क्यू की घात 2, तो ये किसकी तरह दिख रहा है, आधार, ये लंब, आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2 बराबर कर्ण की घात 2, ठीक है, तो ये क्या हो गया पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है ये, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय है ये, ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं इन दोनों भुजाओं का ओपी और ओक्यू के भुजाओं का वर्ग का योग पी क्यू के भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है, ठीक है, अर्थात पी क्यू क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसीलिए पी क्यू कर्ण है, ठीक है, किसमें, त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अतः कोण, कौन सा कोण, पी ओ क्यू, यही हमें प्राप्त भी करना था, तो ये कर्ण है, तो कर्ण के सामने वाला जो कोण होता है वो कितना होता है 90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा पी ओ क्यू बराबर कितना आ जाएगा 90, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अतः कोण पी ओ क्यू बराबर 90 डिग्री, ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न का उत्तर। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।